अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। मुलायम ने गोली चलवाई, सही काम था मानते हो? मुलायम ने गोली चलवाई, सही काम था मानते हो? तो स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसी शकल वाला, आग मत लगाओ। जहर उगलता रहता है ये, जब भी मुंह को खोलेगा। जहर उगलता रहता है ये, जब भी मुंह को खोलेगा। सनातन के विरोध में हरदम बदबूदार ही बोलेगा। हर हिंदू के गरम लहू को और अधिक उफानते हो? तो स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसा शकल वाला, आग मत लगाओ। ये समझता मेरा बयान सुन मुसलमान खुश हो जाएगा, ये समझता मेरा बयान सुन मुसलमान खुश हो जाएगा। सपा को केवल वोट देकर भाजपा को हराएगा। जो संभव नहीं है सुन लो तुम, उस काम को ठानते हो? तो स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसी शकल वाला, आग मत लगाओ। जिस हिंदू का डीएनए है गड़बड़ ऐसे ही बकबकाते हैं। खुजलीवाल के जैसा बीच सड़क गाल पर थप्पड़ खाते हैं। जल्दी ही दुर्गति भी तेरी होगी, ये क्या जानते हो? स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसी शकल वाला, आग मत लगाओ। जाति नीच बनाती नहीं है कर्म नीच बनाता है। इसके जैसा अधर्मी कुकर्मी ही तो नीच कहलाता है। रोटी सेक नहीं सकते हो, थूक से आटा सानते हो? तो स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसी शकल वाला, आग मत लगाओ। मुलायम ने गोली चलवाई, सही काम था मानते हो? तो स्वामी प्रसाद एक नीच आदमी है, उसको भी पहचानते हो? अरे हाथी के पैखाना जैसी शकल वाला, आग मत लगाओ।